Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I am very happy because आज है मेरा sign off guys after approximately 10.5 months. So guys, बताया मैंने किसी को नहीं है. Last time दोस्तों को बताया था last port पे, लेकिन cancel हो गया था. तो वो कहते क्यों नहीं आ रहा भाई, ये वो, इतना time हो गया तेरे को. तो इस बार तो मैंने किसी को बताया नहीं है. एंड मम्मा के लिए तो last time it was a surprise and this time also it's a surprise. So guys, do watch the video till the end and now do subscribe my channel guys because now I am going home, so I'll be regular, I promise guys. So okay, bye, see you in 10-15 minutes when I'll be going down guys. Okay, bye. So hey guys, now everything all set to go now. So hey guys, welcome back. मैं गया था सो, पूरे रास्ते में सोता हुआ आया था क्योंकि शिप से उतरने के बाद मतलब भी फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी और नींद तो काफ़ी अच्छी आई, तो मैं सो गया. अभी चेक इन के लिए उठा था, अभी चेक इन कर लिया और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हमारी 10 बजे फ्लाइट है. तो हम थोड़ा चिल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इधर उधर. सो अभी थोड़ा जो घूमूंगा वो दिखाऊंगा आप लोगों को. एयरपोर्ट तो कुछ खास नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है. एम्स्टरडैम इज क्वाइट बिग, ये वाला एयरपोर्ट छोटा ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास कुछ है नहीं. थोड़ा मतलब कुछ जो खरीदना खरीद लूँगा. सो सी यू गाइस इन माई. अभी आ गया हमारा खाना और शिप पे मैं रोज़ चिकन खा के एकदम बोर हो गया था. तो मैंने किया एक वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर, क्योंकि अभी फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट में भी खाना मिलेगा. तो मैंने सोचा यहाँ पे क्या ही खाऊँगा, एम्स्टरडैम में जाके खाऊँगा, वहाँ भी कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ें मिल सकती हैं. तो राइट नाउ बर्गर आई एम एंजॉयिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, मतलब फीलिंग ही अलग आ रही है इसको खाने की. सोच तो इट्स लाइक टू मच हैपनिंग, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार. इस खुशी को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना. जब से शिप पे उतरा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई हेवन में पहुँच गया हूँ. अगर शिप पे होता है इस वक्त इतनी बारिश हो रही है, तो अभी मैं इंटरव्यू में होता है बिल्कुल पर पोर्ट कर रहा हूँ, तो खुशी उससे डबल हो गई है, खुशी 200 हो चुकी है. अच्छा या तो यार अनबिलीवेबल है यार सब. तो हे गाइस, अभी मैं फाइनली आ गया हूँ बाहर और इधर घूम रहा हूँ. बिल्कुल बोरिंग है एकदम, कुछ खास है नहीं यहाँ पर, छोटा सा एयरपोर्ट है. और मेरी मेरे को लग रहा है कि एम्स्टरडैम में जाऊँगा तो इट विल बी मच मोर बेटर, काफ़ी बड़ा होगा वहाँ पर. और यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने को भी कुछ खास नहीं है, तो क्या ही करेंगे यहाँ पर, ना कोई शोरूम है, नथिंग, कुछ भी नहीं है. खाने को भी एक बस एक ही रेस्टोरेंट है वहाँ पर, खा पी लिया जो भी खाया बर्गर एक बस. वेट कर रहे हैं फ्लाइट की, थोड़ी देर में भी जाएंगे अंदर बोर्डिंग होने वाली. खुशी तो लेकिन अलग लेवल की हो रही है इस वक्त, क्योंकि यार मतलब कि जो रिलैक्समेंट मिलती है ना, मतलब इस वक्त कि पता है कि अब कुछ प्रॉब्लम होगी तो कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. अभी तो लगे मज़े करने का टाइम शुरू हो चुका है, बिल्कुल फ्री रिलैक्स वही फीलिंग आ रही है इससे. और मम्मी का फोन आया था, मम्मी कहते हैं कि क्या कर रहा है. मैंने बोला मम्मी बहुत दुखी हो अभी, तो साइन ऑफ नहीं हो रहा. कहते नहीं नहीं बेटा हो जाएगा कोई बात नहीं. मम्मी को क्या पता यार, मैं मज़े कर रहा हूँ एकदम, मैं कोई तो इतना कि साइन ऑफ हो गया. चलते चलते आ गए हैं जहाँ पे हो रही है, क्यों बोला हाँ. अभी हम आ गए मतलब कि जहाँ पे हमारी बोर्डिंग, हाँ अभी हम आ गए बोर्डिंग के लिए. अभी पहुँचे हैं जस्ट, थोड़े टाइम पर बोर्डिंग शुरू हो जाएगी. बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं. खुशी बहुत हो रही है अंदर ही अंदर से कि अब जाऊंगा. दुख काफी हो रहा अंदर से क्योंकि विंडो सीट नहीं मिलेगा, सीट मिलेगा मिडिल वाला. मिडिल वाली सीट इज वेरी ई है ना, बोरिंग कहाँ पे त्रई है ना, त्रई है ना सेंटर आपका डी है ना. यार मैं तो सो जाऊंगा अगर मेरे को मिलेगा मौका. तो सेक्सी लग रहा है एकदम, लोगों को देख के ना मतलब शोर से छिपे अभी थोड़े बहुत लोगों को देख देख के अभी अच्छा लग रहा है. सो फाइनली गाइज, अब मैं आ चुका हूँ फ्लाइट के अंदर और विंडो सीट तो अभी ली नहीं थी, लेकिन
फ्लाइट तो कल ही है, तो मैं आ गया हूँ विंडो सीट पे। खुशी हो रही है, खुशी तो अलग ही लेवल की है, लेकिन मास्क नहीं कर। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में गाइस। अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ मसाज लेने। फाइनली गाइस अभी करा रहा हूँ मैं मसाज, फीलिंग एकदम सेक्सी आ रही है यार, मजा आ रहा है। इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वो दिखाऊंगा कि मैंने क्या शॉपिंग की है। कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं यहाँ पे, मैंने उम्मीद तो बहुत लगाई थी कि एम्स्टरडम में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ खा दिया यहाँ पे खास। बहुत बोरिंग सा, बोरिंग सा तो नहीं, काफ़ी आउटलेट है, लेकिन अभी मैं एकदम थक चुका हूँ, एनर्जी बची नहीं, लेकिन कुछ खास मिला भी नहीं है वैसे। मैंने बस तीन परफ्यूम, एक अपने फ़ोन के लिए वो खरीदा गिम्बल, एंड थोड़ा बहुत सामान खरीदा, ऐसा कुछ खास नहीं है वो। यस सो आई जस्ट शो यू गाइस, माय फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड क्योंकि मैं अभी लेने वाला 30 प्रो जाके, तो उसके लिए मैंने ये लिया है साथ में।
ब्लॉगिंग करने के लिए ईजी रहेगा और काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग होगी उसके बाद। सो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, क्या हो गया। और ये इन्होंने फ्री में कोई गिफ्ट दिया, पता नहीं क्या दिया, क्योंकि देखते क्या इसमें। पता नहीं क्या है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा था लड़के। और ये है मेरे तीन, और इन्होंने ये के साथ में कुछ गिफ्ट दिया है, घर जाके खोल के दिखाऊंगा और इसका अलग व्लॉग बना लूँगा, एक सब चीज़ हो गई ठीक है ना। बस क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरे को जूते लेने थे, जूते तो मिले ही नहीं, एकदम मतलब परेशान हो गए, घूम घूम के थक के एकदम बैठ गया अभी। और अभी 2-3 घंटे बच्चे फ्लाइट को, सोचा था टाइम पास हो जाएगा, लेकिन टाइम पास हो नहीं रहा। अभी जाऊँगा राउंड ट्रिप मार लूँ आप लोगों के साथ भी एक, और तो कुछ नहीं है यार बस। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, दिखाता हूँ एयरपोर्ट। सो गाइस अभी फाइनली जा रहे हैं लास्ट फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए, और एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़े जा रहे हैं, और घर जाने की खुशी भी बहुत हो रही है, और मज़ा आ रहा है एकदम। लेकिन लास्ट फ्लाइट है, बहुत ज़्यादा लंबी 12 घंटे की फ्लाइट है, देखते क्या बनता है। फाइनली अभी हो गया लास्ट फ्लाइट की बोर्डिंग, बस एक्साइटमेंट लेवल इज 1 लाख प्लस। 12 घंटे की फ्लाइट है, तो दिल्ली पहुँच जाएंगे, फिर मज़े ही मज़े एकदम। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा होती है, कपड़े हैं नहीं, दिल्ली जाके लूँगा कपड़े, सब कुछ लेना पड़ेगा। तो ब्रा चल कनू कर तू।